प्रतिनिधि के तौर पे इस सम्मेलन में बुलाए गए हैं क्रांतिकारी अभिवादन सभी साथियों को। आज शिक्षा बचाओ मंच के तहत जो ये रैली का आयोजन किया गया है, इस रैली में आपको छात्रों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से और शिक्षकों की ओर से एकता के सूत्र में ये पिरोने का काम ये पूजा के हमारे साथियों ने किया है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि न केवल दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि ये मॉडल भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालयों में हमें लेके आना होगा और ये बदलाव की बयान बहुत दूर बाकी नहीं है बल्कि ये 2018 है और हमारे सत्ता में जो बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, जब ये विरोधी दल में होते थे तो आज इनके जितने नेतृत्व के हमारे साथी थे वो आज भी हमारे साथी हैं और वो इन्हीं मंचों से सरकार का आह्वान करते थे कि शिक्षा में खर्च बढ़ाओ, जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा में खर्च करो। अरे भाई 6% खर्च करोगे तो पैसा तो बढ़ना चाहिए, ये सत्ता की कहां से आ गया भैया? ये सरकार में रहने की भाषा दूसरी और विरोध में रहने की भाषा दूसरी। आज जिन बिल जो हमारे बिल पार्लियामेंट में और यूजीसी में अभी लाए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन प्रसारित किए जा रहे हैं, ऑटोनॉमी में कॉलेज की ऑटोनॉमी ग्रेडिंग, इन सब मुद्दों पर अभी की सरकार जब विरोध में होती थी तो इसका विरोध करती थी। इनके नेतृत्व ने कहा कि हम शिक्षा में कमर्शियलाइजेशन नहीं चाहते और जब लोकसभा में और राज्यसभा में बिल लाया गया तो पार्लियामेंट से उतनी पास नहीं हो पाया पिछली सरकार में, और जब इनकी सरकार बनती है तो बिल की भी जरूरत नहीं है, यूजीसी की भी जरूरत नहीं है। जब यूजीसी को पूछा जाता है कि भैया आपकी पॉलिसी कहाँ है, शिक्षा की पॉलिसी कहाँ है, कहाँ बन गई है शिक्षा की पॉलिसी, और वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, शिक्षकों से नहीं पूछना है, छात्रों से नहीं पूछना है, अध्यापकों से नहीं पूछना है, कर्मचारियों से नहीं पूछना है, देश की जनता से नहीं पूछना है और शिक्षा नीति बन चुकी है। हमें बताया जाएगा आज शिक्षक जिस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, केवल वेतन मान का मुद्दा नहीं है साथियों, अगर हमारे 30% कटौती से इस देश के किसानों को ये पैसे जा रहे हो तो हमें 50% काटो, लेकिन किसान तो अलग मर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर में आपका खर्च घट रहा है और शिक्षा में भी कटौती हो रही है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं? ये दौर अगर इस शासन को जो हमारे मित्र सत्ता में भी हैं, ये कोई टकराव का रास्ता नहीं है, जनता ये चाह रही है, हम सब मिलकर ये चाह रहे हैं, ये जो सरकार चुनी गई है वो हमारी बातों को सुने और शिक्षा के खर्च को पहले तो 100% केंद्रीय विश्वविद्यालय को करे, जो कि अभी चल रहा था वो भी कम था, क्योंकि विश्वविद्यालयों को आपने कमजोर करने का काम किया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों को बनाने की जो बात है तो 10 आपने प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालयों को 1-1,000, 10,000 दिए और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और दूसरे जिनके पास पैसे हैं उनको और पैसे लुटाने का काम कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हम यूजीसी की बातें तुम्हें नहीं मानना है, रिजर्वेशन तुम्हें नहीं देना है, शिक्षकों की नियुक्ति अपने मनमाने ढंग से करना है, टेन्योर टेस्ट हो या जैसे तुम्हें रखना है, जो कोर्स चलाना है वो कोर्स भी तुम्हें यूजीसी से नहीं पूछना है, अपने कोर्स डिजाइन करने। भाई हम किधर की ओर जा रहे हैं? कोई रेगुलेशन नहीं,
कोई नेक नहीं, नेक के जगह पर 50 नेक आएंगे। ये इसको कौन कर रहा है, आपको कह कौन रहा है? तो भौतिक रूप से ये वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है, IMF का एजेंडा है, विदेशी शक्तियों का एजेंडा है। तो एजेंडा को लागू करने के लिए हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली की कटौती और राज्य के विश्वविद्यालयों में जाकर सूचना देना चाहूंगा कि 80% राशि पिछले वेतन मान के समय में दी जाती थी, जिसको कटौती करके 50% किया गया है। आपको भी काटा गया है, राज्यों को भी काटा गया है, और ये कटौती क्या पद को भरने में किया जाएगा? नीचे तो कहते हैं पद को भरेंगे, जब पैसे नहीं है तो पद कहाँ से भरे जाएंगे भाई? छात्रों के फीस बढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं आह्वान करना चाहूंगा यह फोटो के द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय कृष्ण भट्टाचार्य जादवपुर यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, उन्होंने आपको संबोधित किया है। 4C का फॉर्मूला उन्होंने दिया, हमें जागरूक होने की जरूरत है। और इसी तरह का ये तो अभी अगर आई है, अभी नारा लगा रहे थे, बहुत शानदार नारा लग रहा था, आगे अभी लड़ाई है। ये लड़ाई को हमें हर एक विश्वविद्यालयों में ले जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय और फेसबुका के भी जो हमारे साथी हैं, ये केवल दिल्ली बेस्ड लड़ाई से हम जीतने वाले नहीं है। दिल्ली से लड़ाई को हर एक विश्वविद्यालय, हर एक महाविद्यालय में शिक्षक, विश्वविद्यालय का शिक्षक, महाविद्यालय अध्यक्ष और पढ़ने वाले छात्र और कर्मचारी और अभिभावक, ये लड़ाई सबकी है। हम आह्वान करते हैं, हम जादूगार देते हैं, आज ये मंच प्रदान किया गया है, इसकी ओर से पूरे देश में एक क्रांति की ज्वाला भड़कनी चाहिए और सरकार हमसे बात करे, नहीं तो सरकार सत्ता छोड़। धन्यवाद।